मैथ मास्टरी हब में आप सभी का स्वागत है। आज हम हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को पढ़ेंगे। इसमें पहला प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं में परिमेय संख्या है। ऑप्शन ए √9, ऑप्शन बी √3, ऑप्शन सी √0.1 वन और ऑप्शन डी 0.10110111.0. तो इस प्रकार से चूंकि परिमेय संख्या 9 का वर्गमूल पूरी तरह से 3 आ जाता है, 3 एक परिमेय संख्या है, इसलिए ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है, एक समीकरण युग्म x प्लस वाई इक्वल टू 10 और x माइनस वाई इक्वल टू 4 का हल है। ठीक है, आसान सा समीकरण है, हल करते हैं। दिया है x प्लस वाई इक्वल टू 10, x प्लस वाई इक्वल टू 10, x माइनस वाई इक्वल टू 4, दोनों समीकरण ऐड कर देंगे, y कैंसिल हो जाएगा, 2x इक्वल टू 14 या x इक्वल टू 14 अपॉन 2 यानी 7, एक्स का मान किसी भी इक्वेशन में रख देंगे तो हमारा वाई इक्वल टू मिल जाएगा 10 - 7 अर्थात 3। इस प्रकार से जो एक्स और वाई की वैल्यू प्राप्त हुई वो 7 और 3 जो कि ऑप्शन नंबर बी में दी है, अतः ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, बिंदु 5-9 की वाई अक्ष से दूरी है। क्योंकि हम जानते हैं किसी भी बिंदु की अगर एक्स अक्ष से दूरी पूछता है तो एक्स अक्ष से दूरी के लिए कोटि वाई का मान और वाई अक्ष से दूरी पूछता है तो फिर भुज एक्स का मान, क्योंकि वाई अक्ष से दूरी पूछ रहा है इसलिए भुज एक्स का मान जो कि 5 है, अतः ऑप्शन सी सही है। हमारा अगला प्रश्न है, यदि एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज की एक भुजा 5√2 सेंटीमीटर है तो इसके कर्ण की लंबाई है। देखिए, चूंकि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज की बात कह रहा है तो एक त्रिभुज बनाते हैं, ये मान लीजिए एक समद्विबाहु समकोण है जिनकी दो भुजाएं समान हैं और भुजाओं की माप दी है 5√2, ये भुजा 5√2, इसी प्रकार से ये भुजा भी 5√2 आ जाएगी और इसमें पूछ रहा है कर्ण की लंबाई। क्योंकि हम जानते हैं कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, इसी में मान देख देंगे दोनों सेम है, 5√2 का स्क्वायर प्लस 5√2 का स्क्वायर, सरल किए 5 का स्क्वायर 25√2 का 2, 25 × 50 सेम अगला भी है 50, जोड़ दिए 100 और 100 का वर्गमूल लेंगे तो कर्ण की माप 10 सेंटीमीटर आ जाएगी, अतः ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, साइन स्क्वायर 18 अंश माइनस कॉस स्क्वायर 72 अंश का मान है तो दो में से किसी एक को चेंज कर लेते हैं, चाहे साइन 18 को बदल लें या कॉस 72 को। देखिए, हम साइन 18 को बदलते हैं क्योंकि साइन थीटा कॉस 90 - थीटा होता है, इसलिए साइन थीटा के स्थान पर कॉस 90 - थीटा लिखेंगे तो यही बन जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर 90 - 18 माइनस कॉस स्क्वायर 72 कॉश स्क्वायर, 90 से 18 घटाएंगे 72 मिलेगा तो कॉस स्क्वायर 72 माइनस कॉस स्क्वायर 72, दोनों प्लस माइनस कट गए, 0 आ गया। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का मान 0, ऑप्शन बी सही है। हमारा अगला प्रश्न है, किसी धनात्मक पूर्णांक पी के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। देखिए, चूंकि किसी भी धनात्मक पूर्णांक p के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप सदैव 2p+1 होता है और प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक का रूप
2p होता है। यहाँ पर धनात्मक विषम पूर्णांक को पूछा है, इसलिए धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप, क्योंकि हम जानते हैं सदैव 2p+1 होता है, इसलिए ऑप्शन डी सही है। और यदि यहीं पर पूछता सम पूर्णांक का रूप होगा, धनात्मक सम पूर्णांक का रूप, तो वो सदैव 2p होता, उस स्थिति में हमारा ऑप्शन सी सही होता। अगला प्रश्न, अगला है, यदि संख्याओं 7, 8, x, 11, 14 का माध्य यक्ष है तो यक्ष का मान है, क्योंकि माध्य जानते हैं पदों का योग बटे पदों की संख्या, तो अगर हम इसका प्रयोग करें, क्योंकि माध्य यक्ष दिया है, तो माध्य यक्ष बराबर पदों का योग, पदों को जोड़ेंगे, 7 + 8 + x + 11 + 14 अपॉन, पदों की संख्या देखें तो 5 दी है, 5x = इन अंकों को जोड़ेंगे, 8 7 15, और 15 10 25 26 4 30 10 40 + x, तो x पक्षांतर की 5x - x यानी 4x, 4x = 40, तो x = 40/4 यानी 10। इसके देखें तो हमारा ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, यदि द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 के मूल समान है तो c का मान है, क्योंकि हम जानते हैं यदि द्विघात समीकरण के मूल समान हैं, तो उस कंडीशन में विभक्तिकरण b² - 4ac भी शून्य के बराबर होती है। b² - 4ac = 0, इसका प्रयोग करेंगे तो b² = मिल जाएगा 4ac। अब चूंकि ac की वैल्यू पूछ रहा है, यदि हम c की वैल्यू निकालें तो c = मिल जाएगा b² / 4a, जो कि ऑप्शन नंबर डी पर दिया है, तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन डी है। अगला प्रश्न, दिए गए चित्र में यदि AD = x + 3 सेमी, DB = 3x + 19 सेमी, AEx सेमी, EC = 3x + 4 सेमी और DE समांतर BC है, तो कह रहा है x का मान है, क्योंकि हम जानते हैं थेल्स की प्रमेय में हमने पढ़ा है, किसी त्रिभुज में किसी भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। किसी त्रिभुज में किसी भुजा के समांतर खींची गई रेखा शेष दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। तो इस थेल्स की प्रमेय का अगर हम प्रयोग इसमें करें, तो उसके अनुसार AD/DB = मिल जाएगा AE/EC। AD/DB = AD/DB = AE/EC। यदि हम इन मानों को रखें, AD और DB, देख रहे हैं AD x + 3 और DB है 3x + 19, x + 3/3x + 19, x + 3/3x + 19 = AE। AE की अगर माप देखें तो AE हमारा x दिया है और EC 3x + 4, तो बना x/3x + 4, x/3x + 4। अब इसमें तिरछा गुणा कर लेते हैं, तो तिरछा गुणा से मिल जाएगा 3x² + 9x + 4x + 12, और इस साइड में भी तिरछा गुणा कर दिया जाए तो इसका मान मिल जाएगा 3x² + 19x। 3x² दोनों साइड है, कैंसिल हो जाएगा, इधर भी ऐड कर लिए, 9 4 13 x पक्षांतर करके उधर ले जाएंगे, ये भी माइनस में चला जाएगा, 19x - 13x घटा दिया गया 6x,
तो 6x बराबर 12, तो इस प्रकार से x बराबर 2, तो x का मान 2 मिल जाता है, क्योंकि हम देख रहे हैं x इक्वल टू 2 ऑप्शन सी पर दिया है, तो इस तरह से इस प्रश्न का ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है, 1 से 10 तक की धनात्मक सम संख्याओं का समांतर माध्य होगा, क्योंकि समांतर माध्य x बार इक्वल टू पदों का योग, तो 1 से 10 तक की धनात्मक सम संख्याएं लिखते हैं, जो कि हैं 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10, और चूंकि ये 5 संख्याएं हैं तो 5 हो गया, जुड़ते हैं 4 2 6 6 12 8 20 10 30 30/5 करते हैं, 5 6 30, इस प्रकार से समांतर माध्य 6 मिला, जो कि ऑप्शन डी पर दिया है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी है। अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है, संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा, तो 156 के हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं, 156 दो से काटेंगे, सबसे पहले 2 7 14 2 8 16, फिर 2 से कट रहा, 2 3 6 2 9 18, 3 से काट देते हैं, 13 3 39, इस प्रकार से इसके खंड आ गए 2 की पावर 2 × 3 × 13, जो कि हम देख रहे हैं ऑप्शन नंबर बी पर दिया है, इस प्रकार से इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न, यदि एक वर्गीकृत आंकड़े का माध्य और बहुलक क्रमशः 24 और 12 है, तो इसका माध्यक है, तो माध्य माध्यक और बहुलक से संबंधित सूत्र हमने पढ़ा, सूत्र है बहुलक इक्वल टू थ्री इंटू माध्यक माइनस 2 × माध्य, इसी में मान रख देना है, हमारा माध्य 24 दिया है और बहुलक 12 दिया, तो बहुलक के स्थान पर हमने 12 रख दिया, 3 × माध्यक तो निकालना है, इसको लिखे रहेंगे माइनस 2 × माध्य, माध्य हमारा 24 दिया है, तो 24 × 2 = 48, 48 पक्षांतर करके इधर ले आए तो 12 + 48 बराबर मिल जाएगा 3 × माध्यक, और 12 48 जोड़ लिए आ गया 60, 3 भी बटे में आ जाएगा, इस तरह से माध्यक बराबर मिला 60/3, सरल किए 20 23 60, इस प्रकार से माध्यक 20 मिला, जो कि ऑप्शन बी में दिया है, अतः इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न है, यदि रैखिक समीकरण युग्म 2x + 3y = 5 4x + ky = 10 कि अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, तो k का मान है, क्योंकि अपरिमित रूप से अनेक हल के प्रतिबंध हम जानते हैं, प्रतिबंध है a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, मान रख देते हैं a1 2 a2 4 b1 3 b2 k और c1 5 c2 10, सरल किए 5 2 10 2 2 4, इस प्रकार से ये दोनों 1/2 के बराबर मिले, इसी को बराबर 3/k के कर देते हैं, तिरछा गुणा करेंगे तो k = 3 × 2 = 6, इस प्रकार से k का मान 6 प्राप्त होता है, जो कि ऑप्शन डी पर दिया है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी है। अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है, ABC और BD दो समबाहु त्रिभुज इस प्रकार हैं कि D भुजा BC का मध्य बिंदु है, त्रिभुजों ABC और BD के क्षेत्रफलों का अनुपात है, देखिए चूंकि ABC और BD दो समरूप
त्रिभुज दिए हैं और सभी समरूप त्रिभुज आपस में, सभी समबाहु त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं। पहला हमारा त्रिभुज एबीसी है, हमने त्रिभुज एबीसी बनाया, इसी हमने एबीसी नाम दिया। और दूसरा कह रहा डीबीसी का मध्य बिंदु है, बीसी का मध्य बिंदु डी। और दूसरा त्रिभुज बीडीई की बात कह रहा था, ये मान लेते हैं एक बीडी है। तो अब ये त्रिभुज बीडी और एबीसी दोनों समबाहु, एक समबाहु हैं तो समरूप होंगे। तो हम जानते हैं कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात में होते हैं। क्योंकि यहाँ पर समबाहु त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी और समबाहु त्रिभुज बीडीई की भुजा बीडी की, क्योंकि बीसी दुगनी है, यानी बीसी और बीडी में जो हमारा अनुपात मिलेगा वो 2:1 के अनुपात के बराबर। कह सकते हैं बीसी बीसी इक्वल टू 2BD। इसलिए त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज बीडीई का क्षेत्रफल बराबर मिलेगा इनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात में। तो एबीसी की भुजा यदि हम बीसी लें और बीडीई में बीडी मिल जाएगी, आप चूंकि वर्गों के अनुपात में है, बीसी इक्वल टू 2BD, बीसी की जगह जब हम 2BD रखेंगे तो 2BD/BD, BD कट जाएगा, तो मिला ये हमारा 2/1। 2/1 का स्क्वायर करते हैं तो 4:1 मिलेगा। अतः दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 4:1 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी पर दिया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है यदि कॉश ए इक्वल टू 7/25 तो टेन ए प्लस कॉट ए का मान है। देखिए चूंकि कॉश ए दिया है और काश हम जानते हैं कि आधार बटे कर्ण होता है, इसका मतलब आधार 7 मिल गया और कर्ण 25 मिल गया। अब हम लंब की माप निकाल लेते हैं, तो हमारे पास फार्मूला है लंब का स्क्वायर इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। इसी में मान रख देंगे, कर्ण 25 का स्क्वायर करते हैं 625 माइनस 7 का स्क्वायर 49, 625 से 49 घटाएंगे तो हमारा ये 576 मिल जाएगा। और 576 का अगर वर्गमूल लें तो वही लंब की माप आ गई 24। लंब 24 निकल आया, मान पूछ रहा टेन ए प्लस कॉट ए का, तो टेन ए जानते लंब बटे आधार, तो लंब हमारा 24 आया और आधार देख रहे हैं 7 के बराबर है, प्लस कॉट ए उल्टा हो गया, आधार बटे लंब 7/24, दोनों का लाशा लिए तो 7 24 का लाशा, दोनों संख्याएं 7×24 आ जाएंगे, 3 गुणा हुआ 24 का स्क्वायर 576 प्लस 7 का स्क्वायर 49, तो दोनों को जोड़ेंगे 576 में 49 जोड़ें तो वही 625 मिल जाएगा। और 7 में 24 का गुणा किए, 7×28, 7×14=16, तो इस प्रकार से 625/168 मिला, जो कि ऑप्शन डी पर दिया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी है। अगला प्रश्न, दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 4 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर हैं, तो इन वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर, क्षेत्रफल वाले वृत्त की त्रिज्या है, क्योंकि दो वृत्त के क्षेत्रफलों के योग की बात कह रहा है जिनकी त्रिज्याएं क्रमशः 4 और 3 है। तो पहले वृत्त का क्षेत्रफल मिल जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल पाई गुणे त्रिज्या का स्क्वायर, पाई गुणे त्रिज्या का स्क्वायर, तो पहले की त्रिज्या 4 है, 4 का स्क्वायर 16 मिल जाएगा, प्लस दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल पाई गुणे दूसरे की त्रिज्या का स्क्वायर, और दूसरे की त्रिज्या देख रहे हैं 3 है, 3 का स्क्वायर 9, दोनों जोड़ दिए तो 16×9=25 पाई मिल गया। और प्रश्न कह रहा है कि योग के बराबर ही क्षेत्रफल वाले एक तीसरे वृत्त की त्रिज्या पूछ रहा है, तो उसकी त्रिज्या मान लेते हैं आर है, तब उसका क्षेत्रफल हमारा मिलेगा पाई आर स्क्वायर,
और यही बराबर दोनों के योग के है यानी 25 पाई के। पाई दोनों ओर से कैंसिल हो जाएगा तो आर स्क्वायर 25 है तो आर बराबर 5 आ जाएगा, यानी योग के बराबर क्षेत्रफल वाले वृत्त की त्रिज्या का मान मिला 5 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन ए पर दिया है। तो प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 के मूल मूल ज्ञात करना है। तो इसको हल करते हैं, मूल देखेंगे तो द्विघात समीकरण इसको हल करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। 10 के ऐसे दो खंड की घटाने पर हमारा 3 मिले, तो वही 5 दुनाई 10 और 5 से 2 घटाएंगे 3। तो सरल करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 इक्वल टू 0। दो दो का समूह बना के कॉमन कर लें, पहले समूह से हमारा x कॉमन मिलेगा, बचा x माइनस 5 प्लस 2 कॉमन किए तो ये भी x माइनस 5 आ गया। x माइनस 5 दोनों से कॉमन मिल गया, जो शेष बचा उसको हम अगले ब्रैकेट में रख देंगे x प्लस 2। क्रमशः दोनों को एक एक बार 0 के बराबर करते हैं तो x इक्वल टू 5 और दूसरे से माइनस 2। तो अभीष्ट x के मान 5 और माइनस 2 मिले, जो कि ऑप्शन बी पर दिए हैं। तो प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, एक समतल मैदान पर एक मीनार की छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई के अंडर रूट 3 गुनी है। देखिए कोई मीनार है और उसकी ये मान लेते छाया, ये मीनार है और ये इसकी छाया पड़ी। मीनार की ऊंचाई अगर हम h मानते हैं तो छाया कह रहा ऊंचाई की अंडर रूट 3 गुनी है, तो अंडर रूट 3h हो गई। सूर्य का उन्नयन कोण मानते हैं थीटा बन रहा है, तो अब इस त्रिभुज में यदि हम टेन थीटा लें तो चूंकि टेन थीटा होता लंब बटे आधार, तो लंब h है, आधार रूट 3h है, h ऊपर नीचे से कैंसिल हो जाएगा तो मिला 1/√3, जो कि टेन 30 का मान होता है। दोनों ओर से तुलना करते हैं तो इस प्रकार से थीटा बराबर 30 अंश निकल आए, अर्थात सूर्य का उन्नयन कोण 30 अंश है, जो कि ऑप्शन नंबर सी पर दिया है। तो इस दिए हुए प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न, 45 सेंटीमीटर ऊंचाई और 4 सेंटीमीटर व्यास वाले एक धात्विक ठोस बेलन को पिघलाकर बनाए गए 6 सेंटीमीटर व्यास के ठोस गोलों की संख्या है। क्योंकि बेलन को पिघलाकर गोला बनाया जाता है, इसलिए बेलन का आयतन बराबर होगा पिघलाए गए सभी गोलों के आयतनों के योग के। अब क्योंकि यहां हमको निकालना है गोलों की संख्या, तो गोलों की संख्या बराबर मिलेगी बेलन के आयतन में एक गोले के आयतन से भाग दे देना है, यानी गोलों की संख्या मानते हैं x है तो x बराबर मिलेगा बेलन का आयतन। बेलन का आयतन जानते हैं पाई आर स्क्वायर h, पाई आर स्क्वायर h अपान एक गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। पाई दोनों से कैंसिल कर देते हैं, आप दोनों त्रिज्याओं के बेलन की त्रिज्या देख रहे हैं, 4 सेंटीमीटर व्यास यानी त्रिज्या 2 मिलेगी, 2 का स्क्वायर गुणे ऊंचाई दी है 45 अपान 4/3 और गोले की त्रिज्या है 6 सेंटीमीटर व्यास है तो त्रिज्या 3 होगी, चूंकि आर क्यूब है तो 3 बार गुणा हो जाएगा 3 × 3 × 3। सरल कर लें, 1 3 तो 1 कट जाता है, 2 का स्क्वायर 4 4 भी कट गया, ऊपर नीचे 3 3 9 और 9 से 45 काटेंगे तो 9 5 45, अर्थात गोलों की संख्या जो निकली 5, जो कि ऑप्शन नंबर बी पर दिया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न, यदि त्रिभुज एबीसी एक समबाहु त्रिभुज इस प्रकार है कि एडी लंब बीसी तो एडी स्क्वायर बराबर है, तो एबीसी एक समबाहु त्रिभुज दिया है तो हम एक समबाहु त्रिभुज बनाते हैं। सबसे पहले हमने एक समबाहु त्रिभुज बनाया, नाम इसका एबीसी, एबीसी दे दिए। अब कह रहा है प्रश्न में
कि ए डी बी सी पर लंब है, हमने ए डी बी सी पर लंब डाल दिया, ये लंब है। अब प्रश्न कह रहा है कि ए डी स्क्वायर बराबर है, क्योंकि समबाहु त्रिभुज में शीर्ष से आधार पर डाला गया लंब आधार को समद्विभाजित कर देता है, तो इससे बी डी बराबर डी सी मिलेगा, बी डी बराबर डी सी, क्योंकि समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं समान होती हैं, इससे ए सी क्योंकि बी सी के बराबर है और डी सी बी सी का आधा हुआ, तो इस प्रकार से ए सी की माप डी सी की दुगनी हो जाएगी, यानी टू डी सी इक्वल टू ए सी मिलेगा। आप त्रिभुज ए डी सी में यदि हम पाइथागोरस की प्रमेय लगाएं और उसे ए डी स्क्वायर का मान निकालें, तो ए डी स्क्वायर बराबर मिलेगा ए सी स्क्वायर माइनस डी सी स्क्वायर। ए सी की माप रख दें, ए सी हमारा है टू डी सी, तो टू डी सी का स्क्वायर माइनस डी सी स्क्वायर, टू डी सी का स्क्वायर यानी फोर डी सी स्क्वायर माइनस डी सी स्क्वायर, और फोर डी सी स्क्वायर से डी सी स्क्वायर घटाएंगे तो थ्री डी सी स्क्वायर मिल जाएगा। तो थ्री डी सी स्क्वायर देख रहे हैं ऑप्शन ए पर दिया है, तो हमारा ऑप्शन ए सही है। थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग। यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो एक प्यारा सा कमेंट्स अवश्य करें। थैंक।